जय श्री कृष्णा भक्तों, हमारे बी एस शर्मा बाद्वा चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम वैशाख मातम के 17वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आप सभी ध्यान लगा करके कथा का श्रवण करें। गजाननम भूते गड़ादि शिवितम कपेते अम्बु फल चार्वक्षणम उमा सुतम शोक विनाशिकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सबे द्वारने को छोड़ के आयो तेरे द्वार, श्री वृषभानी की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते ही सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज सरस्वती देवी एवं सद्गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं कि गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले वैशाख मातम की जय। श्री सूजी महाराज ऋषियों से वर्णन करते हैं कि ऋषिवरों देव ऋषि नाथ जी राजा अम्बरीश से कहते हैं कि हे राजन, सतदेव जी कहने लगे कि हे मिथिलापति, जब भगवान की उस राजा को दर्शन हुए, राजा पुरियस को जब भगवान ने अक्षय तीज के दिन अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, पार्षदों के साथ भगवान प्रकट हुए, तो आज अपने इष्ट देव को देख करके राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। राजा के आनंद मग में जब आंसू प्राणी के दो बार निकलते हैं, या तो जब दुखी होता है प्राणी रोता है तब आंसू निकलते हैं, या खुशी से परमानंद आता है तब आंसू निकलते हैं, राजा की आंखों से परमानंद के प्रेम के आंसू निकलने लगे। राजा ने शीश झुका करके भगवान को प्रणाम किया, नेत्रों से विश्वात्म देव जगदीश्वर का दर्शन करता रहा, फिर भगवान के चरण धो करके जल को सिर पर धारण किया, भगवान का आभूषण चंदना से पूजन किया, धूप दीप फूल माला नैवेद्य आत्मसमर्पण करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करके कहने लगा कि हे प्रभु, हे निर्गुण विश्वरूप के आपके चरणारविंद धन्य हैं, ये चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं, आपके चरणारविंदों को भूल से तृष्णा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ प्राणी एक बार भी ग्रहण कर लेता है, आपके चरणों में जो लिपट जाता है उसका सभी योनियों से उद्धार हो जाता है। हे दया के सागर, मैंने जीवन में ना दान किया है, ना साधु सेवा करी है, ना मैंने आपकी कथा सुनी है। उस अपराध से शत्रु ने मुझे पराजित कर दिया, मेरा वैभव नष्ट हो गया, तब मैं वन में गया, तब मैंने अपने गुरुओं को स्मरण किया, गुरु ने आकर के मेरी दीन दशा देख करके इस दशा से छूटने का उपाय बताया। उनके बताए वैशाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं उनको मैंने किया, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे त्रिलोकी नाथ, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हे परमात्मन, संतों पर अनुग्रह करने वाले, ऐसे आपकी कृपा से सब कुछ हुआ, आपको बारंबार नमस्कार है। हे जगन्निवास, हे सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाले, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, मैं केवल आपसे चाहता हूं कि मुझे हमेशा जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की भक्ति बनी रहे। हे प्रभु,
पुत्र स्त्री को साध में मेरी आसक्ति ना हो, मेरा मन आपके चरणार बिंदों में हमेशा लगा रहे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा सुनने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन करने में लगे रहे, कान कथा श्रवण ये जिब्या आपके गुणानुवाद में लगी रहे, मेरे कान आपकी कथा सुने, मेरी जिब्या आपका कथा वर्णन करे, आपका नाम स्मरण करे, आपका ही जो है नारायण की। इस तरह से नारायण में जीवन भर आपकी सेवा करता रहूं, मेरे हस्त हमेशा दान करें, आपके भक्तों की सेवा करें। नास का आपके चरण कमल का मकरंद सुनने में प्रवृत्त हो, हाथ आपके मंदिर की सफाई करें, आपके भक्तों के चरणों की सेवा करें, केवल ये चाहता हूं। हे प्रभु, मेरे पैर जो है हमेशा आपकी तीर्थ यात्रा की तरफ चलें, मेरी मन हमेशा आप में लगा रहे, मैं आपकी कथा सुनता रहूं, बुद्धि आपके विचारों में लगी रहे, हे नारायण साधु संगत आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में हमेशा आपके भजन कीर्तन में मेरा पूरा समय व्यतीत हो, मैं केवल यही चाहता हूँ। हे त्रिलोकीनाथ, मैं चाहता हूँ एक पल भी मैं आपके बिना ध्यान के रह नहीं पाऊं, हर घड़ी हर पल मैं आपका ही ध्यान करूं, मैं संपूर्ण राज पुत्र पुत्रादि की अब इच्छा नहीं करता, मैं तो केवल आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। राजा ने इस प्रकार से सत्य प्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनि नित्यम च सत्य, आप ही सत्य हैं, आपके चरण कमल सत्य हैं, आपकी भक्ति सत्य है, इस प्रकार कहकर के राजा स्तुति करने लगा। तब भगवान ने कहा कि हे राजन, तुम पाप रहित हो गए हो, निष्काम हो, मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो, 10,000 वर्ष की मैं तुम्हें आयु प्रदान करता हूँ, दिव्य धन संपत्ति, मेरी दृढ़ भक्ति, अंत में मेरी सायुज मुक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। हे राजन, जो प्राणी तुम्हारी तरह मेरी स्तुति करेंगे उन पर मैं प्रसन्न होकर निसंदेह भक्ति और मुक्ति उन्हें प्रदान करूंगा। आज के दिन अक्षय तीज के दिन तुमको मेरे दर्शन हुए, जो स्नान दान आदि करते हैं, गौदान करते हैं, बैलदान करते हैं, पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, उनको अक्षय फल की प्राप्ति होगी, मृत्यु जरा भय पाप सब नष्ट हो जाते हैं, जो वैशाख के धर्मों में प्रसन्न करने से मैं प्रसन्न होता हूँ, केवल अक्षय तीज के दिन जो मेरी सिद्धा के साथ में भक्ति करता है, अक्षय तीज के दिन दान करता है, मैं उसके सारे पाप नष्ट कर देता हूँ, जिनके करने से तप अव्यव्य पद प्राप्त हो जाता है, जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा उसे प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम गुरु के उपदेश से वन में वैशाख धर्म में प्रवृत्त हुए और तुमने जगत के नाथ भगवान की आराधना में तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई, धर्म से प्रसन्न होकर के मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं, अब तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो, देवादेव भगवान जरादन राजा को ऐसा वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गए, तब वो राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, तदनंतर गुरु महात्माओं की संगति करके नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा, वासुदेव भगवान के बराबर किसी को नहीं मानता, बेसक्त धर्मों का पालन करते हुए पुत्र पुत्रादि की उसकी वृद्धि हुई, राजा का संपूर्ण भूमंडल में जो है चारों तरफ में राज्य फैल गया, राजा ने हर समय पर हर घड़ी पर भगवान का ध्यान करता रहता, नारायण की ध्यान करता, भगवान की नवदा भक्ति करता, राजा कथा सुनना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चिनम वंदनम दास्यम तथा साक्ष आत्म निवेदनम, भगवान की कथा सुनना राजा ने शुरू कर दिया, भगवान का कीर्तन करता, भगवान का स्मरण करता, भगवान का ध्यान करता, भगवान के चरणों की सेवा करता,
भगवान को भोग लगाना, भगवान के सामने बैठ करके भगवान के मंत्र का जाप करना, साधु संतों की सेवा करना और यथा शक्ति जो अपनी शक्ति के अनुसार दान पुण्य करना, ये सब राजा ने प्रारंभ करे। इसके प्रभाव से भगवान नारायण की कृपा राजा पर होने लगी। राजा ने 10,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया और भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। राजा को जो है वैशाख धर्म के पालन के द्वारा प्रभु नारायण की जो गति होती है, भगवान की सामिप्य मुक्ति होती है, वो सायुज मुक्ति प्राप्त हुई। जो भगवान के चरणों की सेवा उस जीवात्मा को वैकुंठ में भी प्राप्त होती है। इसलिए भक्तों, ये हमारा मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से हमको प्राप्त हुआ है। तभी कहते ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। देवताओं को भी ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। देवताओं के शरीर में, देवताओं की योनि में आप जाते हो, वहां केवल अपने कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग के सुख चख सकते हो, वहां पर भगवान की कथा सुनने को प्राप्त नहीं होती। केवल मनुष्य शरीर है, इसमें जो गति देवताओं को भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता, मनुष्य शरीर से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। भगवान की नित्य प्रति कथा श्रवण करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। ये मनुष्य शरीर हमें परमात्मा की भक्ति करने के लिए, सब पर दया करने के लिए, संसार में यश कमाने के लिए हुआ है, ना कि इस मनुष्य जीवन को भोग विलास में बिताने के लिए या संसारी काम क्रोध मद लोभ के बस में करने के लिए हुआ है। भक्तों, आप प्रभु की सेवा करो, नारायण की भक्ति करो, अपने इष्ट देव की सेवा करो। ऐसी वैशाख मातम की, माघ मातम की, कार्तिक मातम की कथाएं श्रवण करो, भागवत की कथाएं श्रवण करो, शिव पुराण सुनो, हरि हर की सेवा करो। आप सच्चे भाव से अगर परमात्मा को अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं तो मेरे इष्ट देव नारायण आपके सारे कष्टों को हर लेंगे। आप अपने जीवन की डोरी परमात्मा के हाथ में सौंप के तो देखो, सच्चे भाव से आप सौंप के देखो, आज ही सौंप दो, आप देखना कि कुछ ही दिनों में आपके सारे कार्य बनने लग जाएंगे। परंतु विश्वास के साथ में सौंपो, ये नहीं कि परमात्मा से विश्वास डगमगा जाए। अगर विश्वास डगमगा जाता है तो परमात्मा भी उसका साथ नहीं देती। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, मैं अपने भक्तों की परीक्षा लेता हूं, जो मेरी भक्ति करता है उसे कठिन कष्ट भी आते हैं, संसार भी दुत्काता है, परंतु मैं भी परीक्षा लेता हूं, ये सोना है या पीतल है। सोने को परखने के लिए आग में तपाया जाता है, कसौटी पर परखा जाता है, वैसे अपने भक्त को मैं परखता हूं। जो भक्त फिर भी मेरी भक्ति करता है, मैं स्वयं अपने आप को उसका दास बना लेता हूं। मैं तो भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि, वो मेरे ऐसे धारण करके रखता हूं जैसे अपने सिर पर मोर पंख धारण करता हूं, मुकुट में मणि होती है, वैसे मेरे भक्त मेरे मस्तक के मणि हो जाते हैं, जो सच्चे भाव से मेरी भक्ति करते हैं। सच्चे भाव से करो, दिखावा मत करो। भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए, भाव बनाने के लिए भगवान की कथा श्रवण करो। कथा श्रवण करने से परमात्मा में प्रेम जगता है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार द्वेष पाखंड सबका नाश होता है। इसलिए इस कथा मृति रस का ये अमृत है, इसे पीते रहो। जितना पिया जाए उतना आनंद ही आएगा। हर बार उसी कथा को सुनेंगे तब भी आपको हर बार आनंद आएगा। भक्तों, भगवान श्री नारायण की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। कथा सदा होती रहे, सुनो बीरे हनुमान,
राम लखन सिया जान की, सदा करो कल्याण सिया पते राम। जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बैसाख मातम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।